हेलो गाइस, माय सेल्फ डियर एंड यू आर वाचिंग डियर लर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर पता नहीं, ठीक है, तो OTP कहाँ पे जाएगा और कुछ चीज़ें। अब मान लीजिए आपके पास एक आधार कार्ड था, आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर कौन सा डाला है उसको मालूम नहीं है, तो कैसे पता करना है आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप मोबाइल से आप कर सकते हैं, आप सामने सब कुछ करके दिखाऊंगा, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। अभी आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, आपके जो फेवरेट ब्राउजर है आ जाए। आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लाना UIDAI, सर्च कर लीजिए UIDAI। सर्च करने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिए, जो पहला वाला वेबसाइट आ रहा है उसको, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पहला वाला वेबसाइट यानी गवर्नमेंट का वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आधार सर्विस, ठीक है, ये जो आधार सर्विस है, आधार सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सॉरी, आधार सर्विस है, आधार सर्विस आने के बाद यहाँ पे देखा है वेरीफाई एंड आधार नंबर, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, वेरीफाई एंड आधार नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो आएगा और यहाँ पे आपको क्या क्या भरने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार नंबर दे दीजिए, उसके बाद ये जो कैप्चा है इधर दे दीजिए, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस, आपका आधार नंबर है, उसके साथ साथ जो आधार नंबर पे आप देखना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर कौन सा आड़वा है, तो यहाँ पे वही आधार नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भर लीजिए, ये जो कैप्चा है उसको भर लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस, मैं आपको भर के दिखा देता हूँ बाद में, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आधार नंबर और उसके बाद कैप्चा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर दे चुका हूँ, उसके साथ यहाँ पे कैप्चा भर चुका हूँ, ठीक है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आधार नंबर सेंसिटिव है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा वेट लेगा, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। थोड़ा टाइम लेने के बाद आपके सामने आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, उसका नीचे में मोबाइल नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद आने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेट होता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा प्रोसेसिंग लेट होगा, मगर एक दो मिनट के अंदर आ जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, वेट कर लेते हैं वो एक दो मिनट, उसके बाद आपको आएगा तब दिखा देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने थोड़ा सा वेट किया, एक मिनट वेट किया, 30-40 सेकेंड तक वेट किया, उसके बाद मेरे नीचे में आ गया, ठीक है। अभी आपको दिखा देते हैं, देखिए ये मेरा आधार कार्ड का नंबर है, ठीक है, इसको हाइड कर रहा हूँ। और एज आपका, ये एक्यूरेट एज आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ आपका सिंपल सा आपको जानने के लिए ही दिखाएगा, ठीक है, आपका जेंडर और आपका स्टेट, उसके साथ यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ मोबाइल पे जो लास्ट का 3 डिजिट है वही दिखाएगा, आपको याद करना है कौन सा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आड़वा है, तो आपको थोड़ा आप अगर थोड़ा सा इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, आपका है या दूसरा का। अगर आपका नहीं है तो इसको जाइए और कोई भी आधार सेंटर में जाइए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए अपने आधार कार्ड से, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे सारे कुछ, आपका आधार नंबर, यहाँ पे आपका एज, मेल, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का जो लास्ट 3 डिजिट है वही दिखाता है, क्यों, क्योंकि मोबाइल नंबर पूरा नहीं दिखाता है, ये वर्चुअल चीज़ें निकल के आया है। तो आपको यहीं से पता करना है कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, आपको यहीं से पता करना है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी, आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपका जो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको पता चल गया कैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर, पता चलेगा आपका कौन सा आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर है, आपको पता चल सकता है, आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर नहीं है तो जाके अब अपडेट करने के बाद आपका जो भी है प्रोसेस आप कर सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभी बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन हो गया है, क्योंकि KYC भी ऑनलाइन हो गया, जिसकी मदद से आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं होगा ना तो आपको बहुत परेशानी आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो जाके अभी अपडेट कर लीजिए आपकी कोई भी आधार सेंटर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स से शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।